हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि टैली में सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर का लेजर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले टैली को ओपन करना है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। यहां ओपन करने का कि रेड ऑप्शन में जो शो होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, एक मिनट ये देखिए, अब मैं इस कंपनी में आ गया हूं। जरा डिस्प्ले में चलते हैं, तो यहां पे देखिए ये परचेज वाउचर में जो हमने एंट्री बनाई थी, इसको मैं बाउचर टाइप में करता हूं, तो ये देखिए ये रेड में कैश शो कर रहा है। तो ये रेड में कैश शो क्यों कर रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समझते हैं कि रेड में कैश क्यों शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये चलते हैं रिसिप्ट बाउचर में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये रिसिप्ट बाउचर में हम है, करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि आप सामान ज्यादा खरीदेंगे और कैश आपके पास कम रहेगा, तो ये रेड में दिखाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें आ करके ये जो रिसिप्ट वाउचर है इसमें आ करके अब हम एक काम करते हैं, वापस चलते हैं बैक, और यहां पर रिसिप्ट वाउचर में हमें वापस से आना है, अकाउंटिंग पे चलेंगे, वाउचर पे चलेंगे यहां से, और यहां आना है रिसिप्ट वाउचर में, चूंकि कंपनी हमारी वही है सेम, ठीक है। एफ 12 की प्रेस करना है और सिंगल एंट्री मोड को डिसेबल कर देना है, और यहां डेबिट क्रेडिट को इनेबल रखना है, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहां से हुआ नहीं, अभी इसको फिर से करते हैं। यहां पे देखिए दिया हुआ है वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस, इसको भी हम एक्टिव करेंगे इसमें, ठीक है। इन सब को हम क्या करेंगे, यस करते जाएंगे, और यहां से अब इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो अब यहां सिंगल एंट्री मोड यस है, इसको नो कर दीजिए, बस डेबिट क्रेडिट ऑप्शन शो होने लगेगा। यहां पे एंटर करते जाइए और यहां से एक्सेप्ट करा लीजिए आप। तो यहां पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये देखिए कैश नेगेटिव में है हमारा, जिसकी वजह से हमें ये क्या हो रहा है, रेड में शो हो रहा है। तो अभी हम इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और जो कैपिटल अकाउंट है वहां उस लेजर में जाएंगे, और यहां पर कुछ कैश और भी रिसीव कराएंगे, जैसे मैं यहां पे कुछ कैश इसमें रिसीव करा देता हूं, ठीक है। और जैसे रिसीव कराएंगे तो देखिए ये कह रहा है नेगेटिव कैश, अभी भी कैश नेगेटिव है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें और भी कैश इसमें रिसीव कराना होगा। तो चलिए यहां पर और भी ज्यादा कैश हम रिसीव करा देते हैं, इतना कैश रिसीव करा देते हैं। तो अभी देखिए जो रेड लाइन आ रही थी वो गायब हो गई, यानी कि कैश आपका नेगेटिव में रहेगा, तो ये दिक्कत आएगी आपको। और एक्टिव कैसे करना है, नेगेटिव कैश वो कैसे एक्टिव करेंगे, आइए देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए हमको नेगेटिव कैश चेक करना है कहीं भी, तो एक्टिव कहां से करें उसको, तो सबसे पहले तो इसमें आ जाइए आप, रिसिप्ट वाउचर में या जिस भी वाउचर में काम करें वहां आ जाइए, F12 प्रेस कीजिए। तो यहां पर जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए वार्न ऑन नेगेटिव कैश, ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये मेरा चालू है पहले से, आपका अगर नहीं चालू है तो उसको चालू कर लीजिए। तो ये आपको बराबर वार्न करता रहेगा कि आप नेगेटिव एंट्री ना कीजिए, क्योंकि टैली में नेगेटिव एंट्री करना गलत होता है, तो ये आपको वार्न करता रहेगा। तो अच्छा यही है कि इसको आप एक्टिव ही रखें। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी कि नेगेटिव कैश को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, नेगेटिव कैश वाले पार्ट को हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।